अरे चिंकी, इतना परेशान क्यों हो? चिंकी कहती है, तुम बोल कैसे सकते हो, तुम तो एक बुफैलो हो। चिंकी क्या बताऊं, मैं तो एक मछुआरा था और इस तालाब में मछलियां पकड़ा करता था। एक बार एक चुड़ैल रोबोट के ग्रह पर पहुंच जाती है और वहां एक रोबोट को पीछे से बंदी बना लेती है। वह चुड़ैल उस रोबोट को चुड़ैल ग्रह ले आती है और उसके सिस्टम से कुछ छेड़छाड़ करके उसे अपना गुलाम बना लेती है। रोबोट कहता है, चुड़ैल महारानी, मैं आपका सेवक हूँ, बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। चुड़ैल कहती है, अभी बताती हूँ, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उसे जलपरी के तालाब के पास ले जाती है। वहाँ जाकर कहती है, ये देखो, ये जलपरियों का तालाब है, इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं एक आम का पेड़ बनूंगी, जैसे ही जलपरिया आम के पेड़ से आम तोड़कर खाएंगी वह बेहोश हो जाएंगी। तुम वैसे ही उसे पकड़ लेना और मुझे भी चुड़ैल लोक ले जाना। रोबोट कहता है, ठीक है चुड़ैल महारानी, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल आम के पेड़ में बदल जाती है और नदी के पास चली जाती है। आम के पेड़ को देखकर सभी जलपरियों के मन में पानी आने लगता है। एक जलपरी कहती है, अरे बहन, इतना सुंदर आम है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये आम, ये मीठे और रसीले होते हैं। चलो बहन, एक एक आम तोड़कर खाया जाए। दूसरी जलपरी कहती है, अरे बहन, इससे पहले हमने ये पेड़ यहाँ नहीं देखा था, ये कोई छलावा हो सकता है या फिर किसी की साजिश भी हो सकती है। तीसरी जलपरी कहती है, अरे बहन, इतना क्यों डरती हो, चलो जल्दी से आम खा लेते हैं। ऐसा कहकर वह सभी जलपरियां उस पेड़ से एक एक आम तोड़कर खाने लग जाती है। आज तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहन तुम सही कह रही हो। लेकिन तभी दूसरी जलपरी कहती है, भगवान हमारी मदद करो, बचाओ हमें कोई। देखते ही देखते वे सभी बेहोश हो जाती हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर रोबोट वहां आ जाता है। वह रोबोट सभी जलपरियों और चुड़ैल जो पेड़ बन गई थी उसे उठाकर चुड़ैल लोक ले जाने लगता है। उसे वहां से जाते हुए चिंकी देख लेती है। रोबोट जलपरियों को ले गया, यह देखकर चिंकी बहुत परेशान हो जाती है। वह कहती है, अरे बाप रे, ये हमारी प्यारी जलपरी को रोबोट कहां ले जा रहा है, लगता है ये बहुत खतरे में है। भगवान जी, अब मैं क्या करूं, इनको कैसे बचाऊं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। तभी वहां एक वाटर बफेलो आ जाता है। वह चिंकी से कहता है, अरे चिंकी, इतना परेशान क्यों हो। चिंकी कहती है, तुम बोल कैसे सकते हो, तुम तो एक बुफैलो हो। चिंकी क्या बताऊं, मैं तो एक मछुआरा था और इस तालाब में मछलियां पकड़ा करता था और कभी कभी जलपरियों को भी परेशान किया करता था, इसलिए जलपरियों ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं वाटर बफेलो में बदल गया। लेकिन अब मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, हम रोबोट के प्लेनेट पर चलेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। ऐसा कहकर चिंकी और वाटर बफेलो रोबोट के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और रोबोट के सरदार से बोलते हैं, रोबोट के सरदार, पृथ्वी पर जलपरियां बहुत ही खतरे में हैं और आपका एक रोबोट भी चुड़ैल के साथ मिल गया है, कृपया हमारी मदद करें। रोबोटों का सरदार बोलता है, अच्छा, तो हमारे साथी को वह चुड़ैल उठा ले गई थी, वह रोबोट तो बहुत ही अच्छा था, वह ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उस चुड़ैल ने ही कुछ गड़बड़ की है, हम उसे बचाने जरूर जाएंगे। ऐसा कहकर रोबोट सरदार और वाटर बफेलो और चिंकी वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं चुड़ैल चुड़ैल लोक में जलपरियों की सारी शक्तियां एक करके अपने पति को जिंदा कर लेती है। वह कहती है, मैं इस दिन का इंतजार बहुत सालों से कर रही थी, आखिरकार मैंने तुम्हें जिंदा कर ही लिया और मैं कामयाब भी हो गई। शैतान बोलता है, बहुत सालों से पत्थर बने रहने के कारण मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं इन जलपरियों को ही खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। तभी वहाँ रोबोटों का सरदार और वाटर बफेलो पहुँच जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मेरे गुलाम रोबोट, इस रोबोट से मेरी रक्षा करो। गुलाम रोबोट अपनी शक्ति से रोबोट के सरदार को बिना टाइम गवाए एक पेड़ से बांध देता है। तभी वाटर बफेलो चिंकी से कहता है, चिंकी तुम कैसे भी करके उस रोबोट के पीछे से वह चिप निकाल लो, वह ठीक हो जाएगा और चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाएगा, तभी वह हमारी मदद कर पाएगा, हम तो बहुत ही खतरे में हैं। फिर क्या था, चिंकी बिना टाइम गवाए फटाक से रोबोट के पीछे जाती है और उसकी चिप निकाल देती है। रोबोट को सारी बात याद आ जाती है। रोबोट कहता है, दुष्ट चुड़ैल, तूने मुझे गलत कामों में इस्तेमाल किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोबोट बहुत गुस्सा हो जाता है और चुड़ैल और चुड़ैल के पति को वहीं मार देता है। जैसे ही चुड़ैल का पति मरता है, जलपरियों की सारी प्राण ऊर्जा उनमें वापस चली जाती है
और जलपरियां ठीक हो जाती हैं। बचाओ, हमारे बच्चों को दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। एक गांव के बहुत बड़े जमींदार के घर दो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। जमींदार कहता है, लड़का तो ठीक है, लेकिन लड़की का क्या करूं? लड़का तो मेरे इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा, लेकिन लड़की तो बोझ है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा सोचकर जमींदार लड़की को उठाता है और गांव के ही एक बदनाम खंडहर कुएं में उसको डाल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुआं जिसमें उसने उस लड़की को फेंक दिया था, उसके दूसरी तरफ चुड़ैल लोक था, जहां पर बहुत सारी चुड़ैलें घुमा करती थी। वह लड़की एक चुड़ैल लोक में पड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज एक भयंकर चुड़ैल सुन लेती है। वह चुड़ैल कहती है, ये तो किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज है। इससे पहले दूसरी चुड़ैले उसके पास पहुँचे, मैं जाकर उसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल बिना टाइम गवाए उस लड़की के पास जाती है। आज तो दावत होगी। वह जैसे ही उस लड़की को उठाने लगती है, एक नागिन वहाँ पहुँच जाती है। नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देती है। वहाँ हो रही लड़ाई को देख बाकी सारी चुड़ैले पहुँच जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। नागिन उन्हें भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है और कहती है, ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ भी मत लगाना, चली जाओ यहाँ से। नागिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं पाल लूंगी। ऐसा कहकर वह उसे कुएं से बाहर ले आती है और अपने जादू की शक्ति से एक घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। नागिन कहती है, इसे पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकती। अगर मैं उसे वहाँ भेजूंगी तो सभी चुड़ैले इसके पीछे पड़ जाएंगी और एक ना एक दिन इसे खा जाएंगी। ऐसा कहकर वह नागिन उसे घर में ही पढ़ाने लगती है। जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है वह उसे वहीं देने लगती है। देखते ही देखते वह लड़की भी बड़ी हो जाती है और जमींदार का लड़का भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमींदार का लड़का बहुत ही निकम्मा था, वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जुए में जमींदार के सारे गहने पैसे उड़ा दिया करता था। उसके ऐसा करने से जमींदार एक दिन कंगाल हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खेती करने लगता है। जमींदार कहता है, हे भगवान, कैसा निकम्मा बेटा दिया है, मैंने मेरी बेटी को फेंक कर बहुत गलत किया। आज अगर वह मेरे पास होती तो मेरा काम में हाथ बटाती। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी बेटी को वापस कैसे लाऊं? तभी एक दिन कुछ चुड़ैलें भेष बदल कर गाँव में घूम रही थी, फिर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। एक चुड़ैल कहती है, बहन, ये तो वही बच्ची है जिसे नागिन ने बचाया था, इसकी खुशबू हूबहू वैसी ही है, ये वही लड़की है। लेकिन बहन, नागिन यही घूम रही है, अगर हम इसे पकड़ेंगे तो नागिन हमें मार देगी, कुछ और तरकीब लगानी होगी। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहन, मैंने देखा था, एक जमींदार इस लड़की को कुएं में फेंक गया था। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी के पास जाती है, क्योंकि उसने भेष बदल रखा था इसलिए नागिन उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तो एक जमींदार हैं, जिनकी हालत आजकल बहुत खराब है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नागिन की बेटी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये बात सच है, चाहे तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो। नागिन की बेटी अपनी माँ से कहती है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो, मैंने सुना है मेरे माँ बाप जमींदार हैं, तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला, मैं उनके पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों चुड़ैले सब देख रही थी। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटी नागिन से अलग हो गई, अभी से पकड़ना बहुत आसान है, अभी हमें भूख लगी है, चलो कुछ गांव के बच्चों को चुराया जाए और जाते जाते इसे भी उठा लेंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैले कुछ बच्चों को चुराने निकल पड़ती हैं। नागिन की बेटी उनके माँ बाप से कहती है, तुमने बचपन में मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को देखकर सरपंच को यकीन नहीं होता और उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वह चुड़ैले अब गांव के कुछ बच्चों को उठा लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं,
बचाओ बचाओ, हमारे बच्चों को दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। नागिन की बेटी उन्हें देख लेती है। वह कहती है, मेरी माँ तो एक नागिन है, उन्हें बचा सकती है। नागिन की बेटी भागी भागी नागिन के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन तुम उन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ऐसा सुनकर बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी शक्तियाँ छोड़ती है। जैसे ही शक्तियाँ दोनों चुड़ैलों को लगती हैं, वे दोनों तड़पने लग जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, नागिन तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो इस लड़की को नहीं चुराने दिया और अब इन बच्चों को भी नहीं ले जाने दे रही, अगले जन्म में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे,